बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा? आज 10 जून है और आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर यूनिट नंबर 3 में से है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो सतम उत्फार पाकिस्तान के मैदान जो है फिजिकल फीचर हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो अपनी बुक पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है और अच्छा, इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक हमारा था पाकिस्तान का महलिफ, ये हमारा हो गया हुआ है। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था पाकिस्तान के फिजिकल फीचर, और उसमें हम लोगों ने पहाड़ी सिलसिला पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी सिलसिला कितना है। और आज जो है वो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन का। ये आपको एक्सरसाइज में तीनों मतलब पहाड़ी सिलसिला और सतह मुतफा और मैदान, ये तीनों आपको अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक मिलेंगे। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये कल सारा हमारा हो चुका हुआ था और मुझे पता है कि आप लोगों ने काम कर लिया होगा अपना। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो सतह मुतफा है। सतह मुतफा से मुराद ये होते हैं ऐसी, या इसकी अगर आप डेफिनेशन कर लें या मैं आपको मफहूम इसका समझाऊं कि सतह मुतफा किस तरीके की जमीन होती है। तो इसमें देखें कि सतह मुतफा जो है ऐसी कटी फटी जमीन होती है, जमीन का टुकड़ा होता है जिसके अंदर जो है वो जो ना तो प्रॉपर पहाड़ी सिलसिला होता है और ना प्रॉपर वो मैदान होते हैं। मतलब कहीं पे छोटा मोटा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, कहीं पे गहरी खाई आ गई, कहीं पे थोड़ा सा प्लेन आ गया, कहीं थोड़े ऊंचे पहाड़ आ गए। इस तरह की जो कटी फटी जमीन होती है उसको हम कहते हैं प्लेटो या सतह मुतफा। पाकिस्तान के अंदर दो तरह के इलाके जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि सतह मुतफा कहलाते हैं, उनमें एक पोटोहार है और दूसरी है बलूचिस्तान। इसमें बहरहाल इसमें सबसे पहले तो देखेंगे जरा जो कोहिस्तान नमक है, सतह मुतफा पोटोहार जो है ये कोहिस्तान नमक के शुमाल में जो एरिया है, मतलब जो दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान जितना भी एरिया है ये सारा सतह मुतफा पोटोहार कहलाता है। इसमें चूना, कोयला और मादनी तेल के वसीद खायर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो फिर मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि इसकी कटी पटी जमीन जो होती है उसके अंदर मादनी जखायर भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की जरूरत का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरा करता है और इसमें एक दरिया भी बहता है जिसका नाम दरिया सवां है और ये अपनी वादी बनाता है, ठीक है, और इसे वादी सवां कहते हैं। उसके बाद देखें सतह मुतफा पोटोहार की सतह जो है ये बेहद कटी फटी है। मतलब अगर आप लोगों ने ये सॉल्ट रेंजेस और ये वाला एरिया देखा हो, ये चकवाल, डंडोत और ये वाला एरिया सारा, तो ये सारा सतह मुतफा पोटोहार के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद देखें सतह मुतफा बलूचिस्तान, ऑलमोस्ट सारे का सारा बलूचिस्तान जो है वो सतह मुतफा ही है। ये कोह सुलेमान और कैथर के पहाड़ी सिलसिलों में के मगरिब में वाक़ है। ये सतह मुतफा जो है वो ना हमवार और बंजर है, ठीक है, यहाँ पे बारिशें नहीं होती। सहराई खसूसियात है क्योंकि बलूचिस्तान की जो उनका जो मौसम है ये शिद्दत वाला है, इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और जो इसका पहाड़ी सिलसिला है वो भी संगलाख है और खुश्क है, बारिश नहीं होती यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है वो डेजर्ट वाली आप कह लें कि इसकी खसूसियात हैं। इसके सतह मुतफा के शमाल में कोहे चागी और टूबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला भी आता है। यहाँ पर जो है वो नमकीन पानी की झीलें हैं, कुदरती पानी की, यानी जो है वो कुदरती झीलें हैं। और सबसे बड़ी और मशहूर झील जो है सतह मुतफा बलूचिस्तान की वो हामून मशहील है, ये भी नमकीन पानी की झील है। इन झीलों से जो है वो मुकामी आबादी अपनी पानी की जरूरियात पूरी करती हैं, डेली मर्रा जो रोजमर्रा का जो जरूरत होती है डेली बेसिस पे, तो उनको यह है जो वो पूरा करती हैं। उसके बाद देखें फिर आती हैं मैदान आ जाते हैं। तो मैदान जो हैं वो पाकिस्तान में मैक्स जो है वो ज्यादा आप कह लें कि उसको उसकी जो है वो दो बड़ी उसकी ब्रांचेस हैं या किस्में,
अब मैदान होता क्या है, एक वसी कम जलमानदार और नस्बता हमवार सतह जो है उसको मैदान कहते हैं। पाकिस्तान के मैदान को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक तो दरिया सिंध का बालाई मैदान और दूसरा है दरिया सिंध का जेरी मैदान। ठीक है, दरिया सिंध का जो बालाई मैदान है ये पंजाब का जितना भी एरिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सतह मुठा पोटवार से के जनूब से शुरू होता है मठन कोट तक, ठीक है, यहाँ तक जितना भी एरिया आता है उसको हम कहते हैं पंजाब का एरिया, इसको हम कहते हैं दरिया सिंध का बालाई मैदान। ठीक है, और अगर हम कहते हैं मठन कोट को बुनियाद बनाते हैं तो जहाँ पंजाब के तमाम दरिया दरिया सिंध से मिलते हैं तो मठन कोट से ऊपर पंजाब की तरफ का सारा इलाका जो है वो दरिया सिंध का बालाई मैदान है, और इससे नीचे की जानब ठट्ठा तक यानी सिंध के अंदर तक चला जाता है ये दरिया सिंध का जेली मैदान कहलाएगा। हमारा जो बलाई मैदान है ना ये शुमाल की तरफ ऊंचा और जनूब की तरफ बुलंद। अगर आप वैसे भी पाकिस्तान की लोकेशन देखें तो पाकिस्तान नॉर्थ साइड से जो है वो बुलंदों वाला, मतलब अगर आप केपी के और ये वाला एरिया सारा देखें, और जनूब चूंकि हमारा जो है वो इस तरह जनूब की जानवी ढलवान बनती जाती है तो जो है वो सी हमारा जो है वो जनूब में अंदर आता है, इसीलिए पाकिस्तान के जो है वो सारे बड़े दरिया और शुमाल से जनूब की जानब बहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सारी सतह ऐसे कर्सर पे अगर आप गौर करें तो इस तरीके से ऐसे ढलवान है ना महसूस अंदाज में जो है वो, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर बात देखें, इस मैदान के मगरी में थल का रेगिस्तान है। ये सारी चीजें आपकी छोटी छोटी जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव है, आपकी एक्सरसाइज या आपके जो है वो उसके अंदर भी दी हुई है, और आपके बुक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव बनती है ये चीजें वहां पे भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग साथ साथ ध्यान से सुना करें, ठीक है। अच्छा, इसको पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पांच दरिया बहते हैं, यानी पंजाब यानी पांच दरियाओं की सरजमीन, ठीक है। ये जरई नुक्ता नजर के हवाले से बहुत ज्यादा जरखेज है, तो जब पाकिस्तान नहीं बना था यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो मुतहदा पंजाब था तो ये गंदम की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर था, दुनिया इसे अनाज घर भी कहती थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब भी जो पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में है वो मुल्क की गजाई जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें दरिया सिंध का जेरी मैदान, मठन कोट से नीचे जो है वो दरिया सिंध एक बड़े दरिया की शक्ल में अकेला बहता हुआ ठट्ठा तक जाता है और वहां से डेल्टा में तकसीम होकर बहरा अरब में जा गिरता है, ठीक है। डेल्टा कहते हैं जब, ये देखिए नीचे उसने डेल्टा का साइन दिया हुआ है, यानी एक चीज जो है वो आगे दो ब्रांचेस में तकसीम हो गई, फिर ये भी आगे दो ब्रांचेस में, ये भी आगे दो ब्रांचेस में, यानी एक चीज का मुख्य ब्रांचेस में तकसीम हो जाना वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो इस सारे इलाके को दरिया सिंध का जेरी मैदान भी कहते हैं। इस मैदान के जनूब मगरब की तरफ को ये कैथर का सिलसिला वाक़ है जबकि मशरक की तरफ थर का रेगिस्तान है, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लें। बलाई मैदान की तरह ये भी जरखेज है, ये अगेती सब्जियों और फलों की पैदावार के हवाले से बड़ी शोहरत रखता है, स्पेशली आम खजूर वगैरह ये इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती हैं। सिंध की जमीन बहुत ज्यादा जरखेज है, लेकिन उन इलाकों में इसकी जो है वो हम जरखेजी से फायदा उठा रहे हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है। सिंध के अंदर बहुत इशू जो है वो पानी का भी है। पाकिस्तान का नो डाउट के जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, और लेकिन ये पाकिस्तान की जरूरत के लिए ना काफी है, तो इसलिए। दूसरी बात यह है कि समंदर और सहरा दो बड़ी चीजें जो है ये सिंध की लोकेशन के अंदर आ जाती हैं, तो और दोनों ही जो है वो बारिश के कम होने का जो है वो सबब बनती हैं, इसलिए ये खत्ता ऑलमोस्ट जो है वो, और जमीन के जो नीचे का पानी है वो बहुत ज्यादा कड़वा है। एक तो होता है नमकीन पानी, लेकिन कड़वा पानी खारा मतलब जो फसलों को होने ही नहीं देता, तो बहुत सारी जमीन जो है वो सिर्फ पानी ना होने की वजह से बंजर पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहां पर जो है वो काश्त बहुत ज्यादा होती है। तो बहरहाल ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं ताकि पानी जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। जेरे जमीन पानी खारा है, अगर माइट भी पॉसिबल आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है वो उनका सिंध से कोई ताल्लुक हो, कोई उनके रिलेटिव सिंध में रहते हो या कुछ कभी उन्होंने सिंध को विजिट किया हो तो आप लोगों ने इन चीज़ों को जरूर नोटिस किया होगा कि वो कुओं से पानी भर के लाना और इस तरह जितना भी जमीन के नीचे का पानी कड़वा है, और फिर जो है वो लोग दूर दूर से, और पानी जो है वो एक स्पेशली एक इशू है सिंध का। तो ये बहुत, कभी आप लोगों ने चीज़ें विजिट करें तो ज़रूर देखें, और अगर देखी हुई है तो फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा भी होगा। तो
बहरहाल इसमें देखें, यहाँ का जो पानी है वो खारा भी है और कम भी है बलाई मैदान के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले में, और पानी की कमी की वजह से सेम और थोरिस मैदान के हम जरिए मिसाइल हैं। अब सेम तो उन इलाकों में फिर जाहिर सी बात है, खारा पानी या नमकीन पानी वो नहीं यूज होता, मतलब ऊपर जो जमीन के पानी जो यूज डेली की यूज है जब वो तो हो रही है प्रॉपर, तो उसकी वजह से फिर जो है वो जेर जमीन पानी की सतह कई इलाकों में बुलंद होती है, उसमें सेम और फोर यहाँ का जो है वो अहम इशू बना हुआ है। अच्छा बहरहाल इसका, इसके अलावा द्रैसन का जो डेल्टा इलाका है ये ठट्ठा से बहेरा अरब तक फैला हुआ है, समंदर हमारा जो कराची वाला, ठीक है, तो यहाँ दरिया की रफ्तार सुस्त होती है और समंदर में गिरने से पहले ये दरिया कई शाखों में तकसीम होकर डेल्टा की शक्ल बनाता है। दरिया सिंध जो है ये दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक, दूसरे नंबर पे है ये। कहाँ ये कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है चाइना की सरहद के साथ, और कहाँ इसका कद्दू से दाखिल होता है, और फिर ऑलमोस्ट जो सारे जो है वो एक लंबा रास्ता बनाते हुए सारे ऑलमोस्ट सूबों को सैराब करता हुआ जी ये चला जाता है बहरा अरब। अब हमारे पास प्रॉपर डैम नहीं है पानी की स्टोरेज के लिए, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है वो हर साल बारिशों का और दरियाओं का बहुत सारा कीमती पानी जो है वो समंदर के पानी में मिलकर जाया हो जाता है। अब समंदर के पानी में नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो पानी फिर आपाशी के या डेली आप कह लें कि जो यूज है या रोजमर्रा का जो इस्तेमाल है उसके अंदर वो नहीं उतना यूजफुल होता। तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, दो टॉपिक हैं आपने आज पढ़ने हैं, क्योंकि डायरी अब आपकी जस्टिफाई है, आपको डायरी के मुताबिक ही मैं काम दूंगी, तो इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूं। मैंने पहले भी ये वैसे पढ़ाया हुआ है, दो तीन दफ़ा आपको काम करवा दिया हुआ है, अब मजबूरी है कि लॉकडाउन चल रहा है और पता नहीं ये ऊँट किस करवट बैठेगा, वो वाला हिसाब है कि अब क्या सिलसिला चलता है, क्योंकि ये लंबा ही होता जा रहा है, लंबा ही होता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल टाइम से निकाल दे, क्योंकि बहुत लॉस हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मजबूरी है क्या करें, हेल्थ भी ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है, लेकिन स्टडी और ये सारा चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं। आपका बहुत कीमती टाइम है जो इस तरीके से वेस्ट हो रहा है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। अच्छा बेटा इसमें ना आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है पाकिस्तान के महल्लेबकू की अहमियत, ठीक है, ये आपने वो महल्लेबकू वाला पढ़ा वो सारा, उसके बाद पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का हाल, तो पाकिस्तान के जितना भी पहाड़ी सिलसिला है सारे का सारा, वो जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कल का लेक्चर, वो इस क्वेश्चन का आंसर है पूरा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है वो ये तीसरा क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है सतह मुतफा और मैदान, तो तीन क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हवाले से भी कवर हो गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स आपके टेस्ट आते हैं, जो आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके टेस्ट आते हैं मेरे पास, तो आप लोग जो है उसके अंदर बड़ी गलतियां करते हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी आपको जितना काम और जिस तरीके से मैं ऐसे बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपके सामने हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा हाजिर करके पढ़ा करें, जान ना छुड़ाया करें कि बस ठीक है टीचर्स जो है वो बोल के खप के साइड पे हो जाते हैं और हमारी मर्जी हम पढ़ें ना पढ़ें, ये सरासर आपका लॉस है। देखें हम आपको नहीं देख रहे कि आप काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है ना, अल्लाह को तो पता है कि आप लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर बेटा आपकी डिग्रियां मैं आपको क्लास में भी कहती होती हूँ कि हमें तो नहीं मिलनी आपको मिलनी है, तो अपने फ्यूचर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए जो काम आपको देती होती हूँ मैं वो उसको प्रॉपर तरीके से किया करें। और आज जो मैंने आपको टेस्ट देना है साथ, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो मैंने आपको देना है टेस्ट आपसे, वो मैं अभी आज आपको टॉपिक बता देती हूँ। ये तीन जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं कल, मैंने लेक्चर के दौरान ही छोटा सा टेस्ट आपको दे देना है,
और फिर नेक्स्ट जो है वो मंडे को इंशाल्लाह मैं चेक करूंगी आपसे कि आपने कितना और क्या काम किया है, ठीक है? उसमें ये देख लें, पाकिस्तान का महल्ले फूल, उसकी अहमियत, ठीक है? और साथ जो है वो पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला, और साथ में आपका ये आज वाला क्वेश्चन यानी सतह मुर्तफा, और साथ जो है ये मैदान। तो ये आज आपके तीनों टॉपिक जो हैं ये अब आपने इनको अच्छे तरीके से, इसके अंदर से जो एमसीक्यूज बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, या ये लॉन्ग के अंदर आते हैं, एक्सरसाइज में इनके हवाले से कोई चीज़ मौजूद है, या आपकी जो है वो बुक के अंदर चैप्टर के अंदर आपने अब इनको खुद से तैयार करना है। क्योंकि अब जो है वो मैंने थोड़ी सी आपके साथ जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस से आपके साथ पेश आना है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से लेक्चर बनाते हैं, सोर्सेज यूज करते हैं, सारा कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो फिर बेटा हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो थोड़ी कोशिश हम करेंगे, थोड़ी आप करेंगे, इस तरीके से ही काम होना। ध्यान से लेक्चर को सुना करें, समझा करें। आपके पास जो है वो समर पैक पहुंच गया होगा, नेक्स्ट जो है उसके अंदर हर चीज का सलूशन मौजूद है, एमसीक्यूज जो मैंने आपको दिए हैं वो भी सॉल्व फॉर्म में आपके पास मौजूद है, और वो मैंने सॉल्व किए हुए। अगर आप अपना समर पैक जो है वो आप खोल लें अगर अपने सामने, तो एमसीक्यूज जो है वो मैंने इस तरह किया है के जो सही आंसर है उसके आगे मैंने स्टार जो है वो मार्क कर दिया था, और शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ बनाए हुए। तो आपने इस तरह करना है कि अपनी आज की जो आपकी डायरी है, एक तो ये तीन टॉपिक आप लोगों ने कर लेने, क्योंकि अब हमारी क्लास जो है वो आज वेनिसडे है, तो हमारी क्लास होनी है मंडे को, तो बीच में आपके पास 4 दिन का टाइम है, तीनों टॉपिक ये आपके तैयार हों। साथ में जो आपके पास समर पैक आया है तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पहले यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट 15 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने तैयार करने। समर पैक में से दोबारा निशान लगा लें, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, साथ आपके पहले 15 MCQs, या पहले 10 कर लें, चलिए पहले 10 MCQs, और पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास सॉल्व फॉर्म में स्कूल की तरफ से आपके घरों में आ गए हुए हैं समर पैक की फॉर्म में, वो आप लोगों ने याद करने, और साथ आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस हैं ये याद करने। तो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आपको हदायत दे कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आपको मामलात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है, ये हम बड़े जानते हैं, आपके पेरेंट्स या आप लोग, ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।